अस्सलाम वालेकुम, हकीम अब्दुल गफ्फार आला। खाने पीने की कुछ ऐसी चीज़ें जो हमारे यहाँ मामूल में रहें और हम अपनी इम्यूनिटी को इतना डेवलप कर लें कि हम तमाम मसाइल के सामने के लिए हमारा निज़ाम तैयार हो और हम इस कोरोना की वबा से बचने के लिए अपनी इम्यूनिटी को उस बूस्ट पर ले जाएं कि जहाँ पर हम महफूज रखने की उम्मीद कर सकें। आज हम एक छोटी सी चटनी का नुस्खा बता रहे हैं। इस चटनी में एवरेज हमने 15 से लेकर 20 पत्तियाँ पुदीने की डालनी है, 10 से 15 डंडियाँ जो हरा धनिया की हैं ये हमने इसमें डालनी है, 30 हरी मिर्च डालनी है, 1 या 2 ये हरी मिर्च डालिए। अगर इस हरी मिर्च को आप चीर कर इसके बीच में से बीज निकाल लें तो ये और भी अच्छा हो जाएगा। तो अब ये हमारे पास 3 आइटम हो गए, हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्च। इसके बाद जो हम चीज डालेंगे वो है लहसुन। लहसुन इम्यूनिटी को डेवलप करने के लिए एक बहुत अच्छी चीज़ है। ये देसी लहसुन है और देसी लहसुन के तकरीबन 4 से 5 जवे मैंने लिए हैं इसमें डालने के लिए, कि मैंने इसमें देसी लहसुन डाल दिया। इसके बाद मैंने 1 इंच बाई 1 इंच का एक छोटा सा टुकड़ा लिया और ये टुकड़ा जो है अदरक का है। ये अदरक का टुकड़ा जब मैं इसमें ऐड करूँगा तो ये हमारे हजम के निज़ाम को बहुत बेहतर कर देगा। इसके बाद जो चीज़ मैं ऐड करूँगा वो है सफ़ेद जीरा। ये सफ़ेद जीरा तकरीबन 1/2 चम्मच के करीब ये लेकर के हमने इसमें ऐड कर लिया। ये चटनी का एक नुस्खा बन गया। जाहिर है कि हमने इसमें नमक भी ऐड करना है और उसके साथ कोई खटाई ऐड करनी है। खटाई विटामिन सी के लिए बहुत ज़रूरी है। खटाई के लिए हमारे पास 2 चॉइसेस अभी मैंने यूज़ की हैं, हमारे पास और चॉइसेस भी हो सकती हैं और वह है आलू बुखारा खुश्क। इसका पेस्ट निकाल लीजिए तो ये बहुत अच्छी चटनी का टेस्ट देगा। अगर कोई शख्स खट्टा ज़्यादा पसंद करता है तो वो इमली का पेस्ट इस्तेमाल कर सकता है, अगर कोई और ज़्यादा खट्टा पसंद करे तो उसके लिए लीमू हाजिर है। ये चीज़ें आप इसमें इस्तेमाल करें और ये याद रखें कि दुनिया में 300 बीमारियों का जो इलाज है वो है मोरिंगा। ये मोरिंगा हम ड्राई फॉर्म में हम आपको सप्लाई कर सकते हैं। अगर ये मोरिंगा 1 टीस्पून इसमें ऐड कर लिया जाए तो ये हमारे बहुत सारी बीमारियों का इलाज बन जाएगी। और ये वो चटनी है जो आप दोपहर में अगर रायते में मिला कर लें, दही में मिला करके रायता बना लें और वो खा लें और रात को ऐसे ही ये चटनी 1-2 निवालों के साथ खा लें तो आप यकीन कीजिए कि बहुत सारे मामलों में हमारी इम्यूनिटी डेवलप कर जाएगी और इंशाल्लाह ताला हम कोरोना से मुकाबला करने के काबिल होंगे। ये चटनी कैसी रही हमें ज़रूर बताइएगा। इसके बाद हम एक नई चटनी की फिर रेसिपी देंगे आपको बहुत जल्द।